जामिल का PY100 है। आज हम लोग हीटर इंस्टॉल करेंगे, नया हीटर। टेम्परेचर हाई है लेकिन कस्टमर का रिक्वेस्ट है, वो विंटर के लिए हीटर अभी से वो इंस्टॉल कर रहा है, एक्स्ट्रा न्यू एडिशनल हीटर वो इंस्टॉल कर रहा है नया पैकेज में। सो अभी एम्प्टी है, अभी हीटर लगा नहीं है, हीटर लगाएंगे तो फिर वो दिखाते हैं आपको। ओके, ये हीटर है, ये हीटर का कंट्रोल बॉक्स है, दो कॉन्टेक्टर, एक दो ब्रेकर, और इसमें टोटल 7 वायर है। जो 7 वायर है वो हीटर की तरफ जाएगा, जो जिसमें 7 वायर है वो हीटर की तरफ जाएगा, और उस वायर में जो इसका इजीली पहचान है टी है, T3, T1, T2, T3, या जिस जो टी लिखा हुआ है वो हीटर की तरफ जाएगा। एक ये है जो सबसे इजी पहचान है ना, जिसमें भी टी लिखा हुआ टी है, और टोटल 7 वायर है वो हीटर की तरफ जाएगा। तो दो हीटर है, तो एक T1 2 है, T2 2 है और T3 2 है, तो टोटल आपका 6 हो गया, और अर्थिंग के लिए 1 हो गया, 7। और ये मेन लाइन में जाएगा, ये टोटल आपका 9 वायर है, दो लाइन 1 2 है, लाइन 2 2 है, लाइन 3 2 है, और 3 कंट्रोल के लिए बाद में एक्सप्लेन करेंगे। तो 9 वायर जो है वो पावर की तरफ जाएगा, जो 7 वायर है वो हीटर की तरफ जाएगा, ठीक है। और हीटर का जो बॉक्स है, ये ब्लोअर सेक्शन है ना, तो यहाँ पर हीटर का बॉक्स को फिक्स करेंगे ब्लोअर सेक्शन के अंदर, वो इजीली स्पेस है उसका, आराम से 4 स्क्रू में बॉक्स को फिक्स करना है, ठीक है। ये बॉक्स को इंस्टॉल किया हम लोगों ने, 4 स्क्रू में फिक्स है ना, इजी है बस। और वायरिंग कंप्लीट है, सिर्फ हीटर की तरफ 7 वायर लगाना है, ये ऑलरेडी रेडी, कुछ नहीं करना है, और पावर की तरफ 9 वायर लगाना है, वो बताते हैं। तो 9 वायर में लाइन 1 2 है, ये दोनों लाइन 1, लाइन 2 2 है, और लाइन 3 ब्लू वाला